मध्य प्रदेश में किसानों को खाद की किल्लत है। इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें शिवपुरी के करेरा गांव की हैं, जहां खाद की पर्ची बनवाने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई है। यही नहीं, काउंटर पर नंबर के लिए जहां विवाद की स्थिति भी बन गई है। यही नहीं, कई महिलाओं ने तो युवकों को जमकर चप्पल चलाते हुए जमकर पिटाई की। इधर इस पूरे मामले में जब कृषि मंत्री कमल पटेल से चर्चा करते हुए खाद की कमी को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने इसका पूरा दोष मीडिया के मत्थे ही मढ़ दिया। उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि मीडिया के द्वारा खाद की किल्लत को ज्यादा बताया जा रहा है, जबकि हालात इससे बिल्कुल अलग है। केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था की है। खाद की भारत सरकार जितनी आपूर्ति कर रही है, हम पूरा वितरण कर रहे हैं। वो खाद जितना आवश्यकता उतना मिल रहा है, लेकिन जो मीडिया में इसमें हल्ला मचता ना, खाद की कमी, तो किसान एक साथ मतलब चाहता कि यूरिया पहले पानी में लगेगा, फिर दूसरे में लगेगा, तीसरे में चौथे में से लगता जाता है, वो इकट्ठा एक साथ स्टॉक करना चाहता है, फिर डबल स्टॉक करना चाहता है। इसके कारण जरा हल्ला मचने के कारण है कि बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं। भले ही प्रदेश के मंत्री खाद की किल्लत को मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें सच्चाई बयां कर रही हैं।